तो आप सुन रहे थे अपर्णा यादव, और वैसे ऐसे कई मौके पहले भी आए हैं जब वो काफ़ी तारीफ करती थी मुख्यमंत्री योगी की और प्रधानमंत्री मोदी की। और स्पीच, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में खत्म हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को सिफारिश भेजी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सिफारिश उपराज्यपाल को भेजी है कि वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया जाए। तो दिल्ली में खत्म हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू, और जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी भावना इस वक्त हमारे साथ हैं। भावना, आप पहले तो ये बता दीजिए कि आप जो फिगर्स हैं कोरोना को लेकर, जो संक्रमण है उसकी जो फिगर्स हैं, क्या वो अब इतनी कम हो गई हैं कि ये वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का ये फैसला लिया जा रहा है और ये सिफारिश की जा रही है? जी बिल्कुल मीमांसा, आपको बता दें कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले घटने लगे हैं, और संक्रमण दर जो 30% तक पहुंच गया था, आज वो 22% हो गया है। देखिए, चिंता का विषय ये है कि मौत के आंकड़े हैं वो अभी कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसको देखते हुए ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। प्रस्ताव जो है उपराज्यपाल को भेजा गया है कि जो मामले घट रहे हैं उसको देखते हुए, जिस तरह से आपको पता होगा कि बाजार जो है ऑड इवन के आधार पर खुल रहे थे, उसे हटाया जाए। दिल्ली में सैटरडे और संडे वीकेंड कर्फ्यू था, उसको हटाया जाए। और साथ ही आपको जानकारी होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले जब डीडीएमए की बैठक हुई थी तो उसमें यह फैसला लिया गया था कि प्राइवेट ऑफिसेज को भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 50% क्षमता के साथ इसे चलाया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस जब कम हो रहे हैं तो बाजारों में, आपने देखा हो कुछ दिन पहले सदर हो, सरोजनी हो, वहां के जो व्यापारी हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि अगर केसेस कम हो रहे हैं तो ऑड इवन हटाया जाए, वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाए, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके वजह से व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान था। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है और उपराज्यपाल को यह प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की मंजूरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दी गई है कि अब आने वाले समय में जल्द ही हम देखेंगे कि वीकेंड कर्फ्यू जो है वो हट जाएगा राजधानी दिल्ली में, और साथ ही साथ जिस तरह से बाजार में जो दुकानें हैं ऑड इवन के आधार पर खुल रही हैं उसे हटाया जाएगा, और साथ ही प्राइवेट दफ्तर जो इस वक्त वर्क फ्रॉम होम वहां के कर्मचारी कर रहे हैं 50% क्षमता के साथ वो चल सकेंगे। जी भावना, यानी कि अब हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई फेजेस में धीरे धीरे ये पाबंदियां हटाई जाएंगी, इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो पहले वीकेंड कर्फ्यू से शुरुआत, लेकिन नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा, धीरे धीरे ही ये पाबंदियां हटाई जाएंगी। जी मैम, आज नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर बात करें तो अभी नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई चर्चा नहीं है। नाइट कर्फ्यू जिस तरह से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता है वो उसी तरह से चलेगा। फिलहाल बात हो रही है सैटरडे संडे, हमने देखा है कि बाजारों में खास करके जो मार्केट सरोजनी, लाजपत और तमाम दिल्ली के जो बड़े मार्केट्स हैं वो बंद होने की वजह से व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा परेशान था। इसको देखते हुए उन्होंने सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी, विरोध प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए देखिए मामले जो है वो घट जरूर रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हो गई है पहले से, जो 30% हमने देखा पहुंच गई थी। अभी फिलहाल अगर कल की बात करें तो जो कल केस आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 12,306 थे, और जो अगर संक्रमण दर की बात करें तो 21% संक्रमण दर कल दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू हटाया जाए, वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा, और साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं जो वर्क फ्रॉम होम करें इसको 50% कैपेसिटी के साथ चलाएंगे। तो आने वाले समय में ये बदलाव हम देख सकते हैं। फिलहाल जो प्रस्ताव है वो LG के पास भेजा गया है। जी, तो आने वाले दिनों में रिलैक्सेशन होगा, जो पाबंदियां लगाई गई थी वो धीरे धीरे हटाई जाएंगी और शुरुआत होगी वीकेंड कर्फ्यू के साथ। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस संबंध में सिफारिश भी भेज दी है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।